समझू उत्तर प्रदेश वाराणसी और उसके अलावा, क्योंकि बहुत नजदीक से आप भी नजरें गड़ाए हुए हैं और साथ साथ सुनील शुक्ला जी तो बहुत ही नजदीक से इन चीजों को देख रहे हैं। जरा आपसे समझू पहले, वाराणसी से लेकर पूरे देश का सूरत हाल, उसमें भी नरेंद्र मोदी, उनको ध्यान में जाने की जरूरत पड़ रही है। और आपने देखा 18 मई 2019 को नरेंद्र मोदी गए थे केदारनाथ, वहां रुद्र गुफा में उन्होंने 17 घंटे चश्मा लगाकर ध्यान लगाया था, याद होगा वो तस्वीर, थोड़ी देर में नहीं होगा तो दिखा देंगे। चश्मा लगाकर ध्यान लगाने, आज मैं किसी से पूछ रहा था कि आखिर चश्मा लगाकर क्यों, तो उन्होंने कहा कि सपना देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। खैर, तो प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, चश्मा लगा करके भी और कैमरों के साथ, ताकि पूरा देश देख सके कि मोदी जी इस समय ध्यान मुद्रा में है। खैर, अद्भुत है, मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, गांधी जी उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज पूरे दुनिया का चक्कर लगा के मोदी जी आ चुके हैं, उन्होंने जीते जी अपने ऊपर फिल्म बनवा ली है। वो जानते हैं कि फिल्म के जरिए ही पर्सनालिटीज को समझा जा सकता है, लेकिन अब मोदी जी के बारे में क्या कहा जाए। अब तो हंसूं या रोऊं, उनकी जो टिप्पणी है कि गांधी जी को लोग नहीं जानते थे, फिल्म के बाद जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कौन है, और अब हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस समय क्या कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये सोचेंगी कि हाड़ मास का कोई ऐसा व्यक्ति भी कभी पैदा हुआ था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था जी, जिनसे प्रेरणा लेकर के नेल्सन मंडेला और अमेरिका के बहुत बड़े समाज सुधारक, वो जिन्होंने गांधी जी से प्रेरणा लेकर के दुनिया में मानवाधिकार के लिए काम किया। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे, उसके पहले उनको दुनिया जान चुकी थी, तो क्या उनका परिचय, मुझे लगता है कि आज 100 से ज्यादा देश हैं जहां गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और गांधी के रास्ते पर चलने के लिए आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे हिंसा का मुद्दा हो, चाहे विशुद्ध की तरफ जाता हुआ दुनिया दिखती हो, या गरीबी लाचारी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के गांधी का अपना जो चिंतन था, उससे आज भी दुनिया प्रेरणा ले रही है। और गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार, बहुत बड़ा विचार, जिससे 20वीं शताब्दी ही नहीं 21वीं शताब्दी बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये मोदी जी हैं, उनके बारे में खैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मोदी जी के बारे में एक जरूर मैं बात कह दूं कि आज उन्होंने फिर से एक बार साबित किया कि भले ही वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हों, लेकिन मूल रूप से वो आरएसएस के कार्यकर्ता ही है जी। वहां जिस तरह की ज्ञान वृद्धि होती है, या जिसको हम लोग आज की भाषा में कहें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान आता है, वो मोदी जी भी ले रहे हैं। और उनकी लंबी लंबी कथाएं हैं, आजकल राहुल गांधी उनका बड़ा उद्धरण दे रहे हैं, नाले की गैस से लेकर के और तमाम चीजों की। तो नरेंद्र मोदी इस समय बेहद हताशा में है और उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो करें तो करें क्या जी। उसकी वजह सिर्फ चुनाव हारना नहीं है, बल्कि खुद उनकी सीट का फंसना है। राजीव जी, अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था आपके साथ ही कि बनारस से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती हैं या खड़गे जी चुनाव लड़ जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी का जीतना बेहद कठिन हो जाएगा। और जिस तरह से चुनाव को जनता ने अपने हाथ में लिया है, उसने तो अभी फंसा दिया है नरेंद्र मोदी को। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। और उनके सामने नरेंद्र मोदी की स्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं, और उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो राहुल गांधी का अत्यंत लोकप्रिय होना, और ये बात मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज कोई अगर ढंग का पैमाना हो कि लोकप्रियता को नापा जाए, तो राहुल गांधी से कई कदम पीछे नरेंद्र मोदी जा चुके। सबसे ज्यादा लोकप्रिय आज की तारीख में राहुल गांधी, और उन समाजों में मुझे लगता है कि दलितों में तो बेहद लोकप्रिय,
ओबीसी तबके में, आदिवासियों में तो लोग जिस तरह से वहां प्रथा है भगवान मानने की, उस तरह से तो मुझे तो कई बार लगता है कि एक बाबा साहब अंबेडकर थे, वो अमित शाह ने तो ऐसे ही अपमानित करने के लिए बाबा राहुल कहते थे, आजकल दलित उनको बाबा राहुल के रूप में देख रहे हैं, माने एक बाबा साहब और ये आज के बाबा साहब। इस ढंग से लोकप्रियता राहुल गांधी की ओर बड़ा विश्वास, राजनेता वही होता है जिसके प्रति जन विश्वास होता है, और ये राहुल गांधी ने कर दिखाया है पिछले 2 साल के भीतर। और दूसरा नरेंद्र मोदी का अपना ब्लंडर, 400 सीटें जीतना, संविधान खत्म करेंगे, ये तमाम ऐसे मुद्दे हुए जिससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में डूब चुकी है, निपट चुका है उनका मामला, बस 4 तारीख का इंतजार है, चुनाव आयोग जितना जिता सके, जो तमाम और एजेंसियां हैं वो जितना ज्यादा पढ़ करके बीजेपी को सीटें जिता सके। लेकिन अगर यही चुनाव फेयर हो जाते तो मोदी जी 150 पार नहीं कर सकते थे, अब हो सकता है कि 200 तक पहुंच जाए, लेकिन वो जो फिगर दिखाए जा रहे हैं मोदी मीडिया पर वो तो कतई नहीं आ रहे हैं, और यही घबराहट है। तो अब जा रहे हैं मोदी जी वहां पे मेडिटेशन करने के लिए, अच्छा है वो करें और देश को मुक्ति दें, तो मुझे लगता है कि देश के लोग भी कायदे से फिर मेडिटेशन कर सकेंगे, नौकरी मिलेगी। एक चीज बताइए जरा प्रोफेसर साहब, कि जो आप अभी बता रहे हैं कि दलितों में एक राहुल गांधी के को लेकर एक अलग तरह की कहें तो एक अनुभूति ऐसी है और उनके प्रति ऐसा प्रेम है कि अब लोग इधर राहुल गांधी को चाह रहे हैं, दलित भी अल्पसंख्यक हैं वो भी दिखाई दे रहा है, और अल्पसंख्यकों को हमने चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो उसमें हमने बहुत करीब से देखा भी था उस चुनाव में जब हम लोग गए थे कि कैसे राहुल गांधी का जलवा वहाँ पर बोल रहा है। अब जरा उत्तर प्रदेश में दलितों को बताइए मुझे और अल्पसंख्यकों को, इन दोनों के बारे में बताइए कि क्या इतना है कि अब ये खेमा इंडिया गठबंधन की तरफ आ चुका है, क्योंकि चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो दोनों पैरेलली चुनाव में बहुत मजबूती के साथ डटे हुए खड़े नजर आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो लगातार चर्चा हो रही है ये कि ये दोनों पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिनका गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में, एक्टिव करने में, और जो मतदाता हैं इनके जो कोर वोटर हैं उनको एक दूसरे में शिफ्ट कराने में शायद कामयाब हो गए हैं, ऐसी खबर है क्या? तो यहां दो बातें महत्वपूर्ण जो आपसे समझना चाहता हूं, बाद में और भी हमारे साथी इस पे अपनी बात रखेंगे, कि क्या जब इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है तो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपने मतदाताओं को अपने ही घटक दल के जो दूसरे साथी हैं उनमें शिफ्ट कराने में सक्षम हो पाए हैं, पहला सवाल। दूसरी बात कि जो इनके कोर वोटर नहीं रहे, जैसे मायावती जी के कोर वोटर जो दलित हैं, क्या वो वहां से छिटक गए हैं? अगर छिटके हैं तो क्यों छिटके हैं? अल्पसंख्यक जो बटे रहते थे वो क्या एकजुट हो गए हैं? ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहली बात जो आपने कही कि वो शिफ्ट कराने में कितना कामयाब हुआ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है और जो लोकप्रियता है वो सबसे बड़ा कारण है उस वोटर को इंडिया अलायंस के साथ जोड़ने में, नॉन यादव ओबीसी को, और उसमें भी मैं कहूंगा अति पिछड़ा को। मैंने सैकड़ों लोगों से बात की है जो खासकर के अति पिछड़ा समाज के हैं, वो पाल भी हैं, विश्वकर्मा है, नाई है, तेली है, कश्यप है, उसमें राजभर है, बिंद है, चौहान है, ये तमाम जातियों के लोग जो अखिलेश यादव के साथ जाने में कंफर्ट नहीं थे वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण इंडिया अलायंस के साथ है, माने समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। नंबर 1, दलितों में मैंने कहा कि वो आज के बाबा हैं, और ये बात हो सकता है बहुत सारे लोगों को अतिशयोक्ति भी लगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दलितों में एक बाबा साहब अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान दिया, संविधान की रचना की, आज राहुल गांधी उस संविधान को बचाने के लिए खड़े, एक बनाने वाला बाबा और दूसरा बचाने वाला बाबा, इसलिए मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि इस तरह की छवि कि राहुल गांधी है कि संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं, और यहीं पर वो मायावती की कमी को भी पूरी कर रहे हैं। मुझे खुद भी ये भरोसा नहीं था कि जो जाटव वोटर है खास करके, और उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है, 11% के आसपास है, वो
बीएसपी के साथ ही रहेगा, ये मुझे लगता था। और कई बार ये भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश और राहुल गांधी के एक साथ आने से वो नाराजगी में कहीं बीजेपी के साथ चला जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान बचाने की प्रतिज्ञा की और ये कहा कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा, वो जो जाटो वोटर है वो 50% मूव कर चुका है इंडिया अलायंस की तरफ, सीधे तौर पर 50% और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो ये दो बड़ी चीज है। और तीसरा जो आपका सवाल था कि इसको शिफ्ट करने में अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा के समय ही राहुल गांधी हीरो बन चुके थे, क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो दर्द अल्पसंख्यकों का था, जो अल्पसंख्यकों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, उसी तरह से राहुल गांधी की कभी संसद की सदस्यता छीनी गई, कभी घर से बेघर किया गया, राहुल गांधी सड़क पर आए वो दर्द लोगों ने महसूस किया, भारत जोड़ने के लिए वो खड़े थे। तो अल्पसंख्यकों के साथ वो दर्द का रिश्ता बनता है, वो पीड़ा का रिश्ता बनता है। तो वो तो पहले ही अल्पसंख्यकों में नायक बन चुके थे, लेकिन दलितों और पिछड़ों के नायक, आदिवासियों के, नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस के खांटी प्रचारक को राहुल गांधी ने आदिवासी शब्द बोलने के लिए मजबूर कर दिया और आदिवासियों के आंखें खोल दी कि कौन फायदा करा रहा है अंबानी और अडानी का, जो आपकी जल जंगल जमीन पर निगाहें लगाए हुए हैं और इनसे रक्षा करने के लिए हम खड़े हैं और आदिवासी इस देश के पहले मालिक है। ये बात कहना और बार बार कहना राहुल गांधी ने आदिवासियों को सीधे तौर पर अपने से जोड़ दिया, इंडिया एयरलाइंस के साथ जोड़ दिया, और इसका सीधा फायदा इंडिया एयरलाइंस को मिल रहा है और नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर विकेट पर इस समय खड़े हुए। इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे चुनाव का अगर कोई नायक है, अगर लोकप्रियता इस समय सर्वाधिक राहुल गांधी की है, किसी भी पैमाने पर आप नाप लीजिए, वो बात अलग है, वो एजेंसियां जो गोदी मीडिया की है वो क्या बताएंगी, लेकिन इंटरनली जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे चुनाव का जो हासिल है, जिसने चुनाव को वो धार दी है जहां नरेंद्र मोदी टिक नहीं पा रहे हैं, वो नाम राहुल गांधी का है। और ऊपर से संविधान का जो ब्लंडर किया बीजेपी ने, वो तो है ही, महंगाई बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे, और उनको एक भरोसे में लेकर के अपने न्याय की योजनाएं लाकर के राहुल गांधी ने ये बात लोगों तक पहुंचा दी कि हम हैं आपके साथ खड़े हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ आने जा रहे हैं, और यहीं से चुनाव बदला है। जी जी, चुनाव कहां से बदला, यहां पर दलित आदिवासी